हेलो जी, नमस्ते, सलाम अलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, पसंद किया। और मैं देखती हूँ, मैं खुद बल्कि जो वीडियो में ये देती हूँ कुकिंग विद नाज़नीन को, तो उसके कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ टाइम निकाल के कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो और आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो मतलब एक बंदा जब देता है तो उसको थोड़ा होता है ना कि जब मैं भी देखूं क्या वीडियो है, मतलब दी है मैंने, इस पे क्या लोगों का रिस्पांस आया ना। तो मतलब हम लोग एक परिवार की तरह ही हैं सब, जब हम आपसे बातें शेयर करते हैं। तो थैंक्स सब मेरे जिन्होंने मुझे पसंद किया है, इन सब का थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने प्यार दिया, तो मैंने टाइम निकाल के फिर आपके लिए एक वीडियो बनाई है। जो आप लोगों को तो पता ही है कि किस चीज़ को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ आजकल, क्योंकि हम सबको पता है क्या चल रहा है। यूट्यूब पर एक ही शोर मचा हुआ है, एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली का सारा शोर मचा हुआ है। अच्छा, अब जैसे इनकी वीडियो देखे ना, मतलब इनकी वीडियो देख के हंसी भी बहुत आती है, गुस्सा भी आता है और बुरा भी बहुत लगता है कि क्या, मतलब क्या हो रहा है दुनिया में ना, नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो अलीवीर है इसकी आता है, इनकी बहन है जो पहले इनके साथ रहती थी, बकौल इसका भाई है जो इल्ज़ाम रोज़ाना लगाता है, जो लेट के वीडियो बनाता है। हमारे तो जब फैमिली में बैठे होते हैं ना, यहाँ पे ये है कि बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी कंट्री के भी लोग हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा उनका हमारे साथ बिहेव है, आपस में एक परिवार की तरह है हम लोग, एक दूसरे के दुख में। जैसे दिवाली थी पिछले दिनों में, बहुत सब ने मतलब सेलिब्रेट किया, एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पे, के सब परिवार है। तो वहाँ पे ना जो वीडियो देखते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली और भी देखते हैं लोग। अब आपको तो पता है कि यूट्यूब का एक ट्रेंड ही बन गया, टीवी वगैरह तो एक और बात होगी, स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें यूट्यूब और बस सारा दिन इंटरनेट यूज़ करते रहो। वो अगर सही बात की जाए तो हंसते हैं, मतलब क्या ये ड्रामा हो रहा है रोज़ाना का ना, कि आप अपने घर की एक तो बातें आके कर रहे हैं, किस जगह आप कर रहे हैं, दुनिया को क्यों बता रहे हैं। ठीक है, अब 100 फैमिली में मतलब मेरे परिवार है, अपने बहन भाई हैं, सास है मेरी, तो ससुर जी हैं, तो मेरे हस्बैंड से हो जाती है थोड़ी, मतलब हर घर में होता है। तो ऐसे तो नहीं कि वो बाहर जाके उससे बातें करने लग जाए, कोई नहीं, वो कहते हैं कि मेरी वाइफ है तो घर में रहते हैं, बात करते हैं, सॉर्ट आउट हो जाता है। वहाँ के अगर गुस्सा भी होता है तो एक घंटे में मतलब उससे भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कि आके किस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कर रहे हैं। एक इन्होंने, इनके आप वीडियो अगर देखें, ये क्या नाम है अली वीर के भाई का, यार मुझे तो इसका एक ही तरीका याद रखने का कि ये बंदा लेट के वीडियो बनाता है ना। मैं तो अपनी सास माँ को कहती हूँ कि जरा वीडियो तो चलाना हो तो लेट के वीडियो बनाता है, जिसकी नहीं देखी हम लोगों ने। तो वो जल्दी से निकाल लेती है कि अच्छा अच्छा बेटा इसका कह रही हो। तो वो बंदा है जो उसने एक ही बात शुरू की हुई है, मैं खर्चा भेजता हूँ। उसके आप वीडियो अगर देखे तो वीडियो में मेरे ख्याल से अगर 12-13 मिनट की उसकी वीडियो होती है तो 10 मिनट उसने ये कहना है कि मैं अपनी माँ को खर्चा भेजता हूँ, मैं अपनी बहन को खर्चा भेजता हूँ, हम उनका खर्चा उठाते हैं, मैं इधर से उनको डॉलर भेजता हूँ, मैं इधर यहाँ पे पता नहीं पाउंड कमाता हूँ कि डॉलर कमाता हूँ, भूल गया। तो जो भी वो कमाते हैं उनको भेजता है, ठीक है, और मैं अपनी बीवी को भी भेजता हूँ, एक बंदे का इजाफा हो गया उसकी फैमिली में तो उसको भी वो भेज रहा है, तो वो सारी दुनिया को बता रहा है भेज रहा हूँ। तो मैं तो इस शख्स की ना वीडियो अपने पति को नहीं दिखाती, वो ही ना जो रोता ना सुनाने लग जाए, मैं अपनी पत्नी का खर्चा उठाता हूँ। बस इसलिए कहते हैं कि डरना ही बेहतर है और एहतियात करना बेहतर है, तो मैं भी एहतियात कर रही हूँ अपने घर में बहुत ज़्यादा कि इनकी वीडियो ना देखी जाए, किसके हाथ ना चल जाए। तो अब बात यह है कि ये कहता है अलीवीर ने मार के निकाला है अपनी माँ को और बहन को, तो मार के निकाला, तो भाई तुम कहाँ थे, मार के निकाला तुम आ नहीं सकते थे, चलो तुम नहीं आ सकते थे, तुम्हारे 3 भाई हैं यहाँ पे। अलीवीर ने सोचा चलो मार के निकाला, 2 भाई और हैं,
तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वो तो आ सकते थे। उसके बाद तुम्हारी माँ बहन कहाँ पे रही पता नहीं तुम्हें, तुम्हें कोई पता नहीं कहाँ पे रही कहाँ पे नहीं। अब तुमने अगर वो घर बनाया है तो इसमें साफ सी बात है, तुमने वो घर इसलिए बनाया है कि तुम्हारी शादी हो गई थी और तुमने अपनी बीवी को यकीन से पता कहने पर रखना था, उसको रखने के लिए तुमने घर बनाया जिसमें तुमने कहते ना एक निगरानी के लिए अपनी माता को और बहन को छोड़ दिया, उसके अलावा कोई वजह नहीं है। नहीं तो वो इतनी देर से कहाँ फिरी थी ये तुम्हें भी नहीं पता था, तुम उनका कोई खर्चा नहीं उठा रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, तुम उनका खर्चा उठाते हो तो तुम ऐसे आके क्यों बोलते हो खर्चा, उन्होंने तुम्हें पाला नहीं, उन्होंने तुम्हें खिलाया नहीं बचपन में, वहाँ का तो तुम रोज़ाना खर्चे का इतना मुँह में ले रहे हो, इतना मुँह में ले रहे हो, ऐसे तो उनकी तुम मतलब रोटी भी नज़र रख रहे हो, उनको तो लगती भी नहीं होगी वो, जैसे तुम आके सबको बता रहे हो जैसे नज़र रख रहे हो। तो हम यहाँ पे आके कह रहे हो दिन में पता नहीं तुम लोगों के साथ कितनी बात करते हो कि मैं उनको खर्चा भेजता हूँ, मैं उनको ये करता हूँ, मैं उनको वो करता हूँ, तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो बचपन में वो तुम्हारा भी खाना गिनते तो फिर तुम आज इतने बड़े ना होते, छोटे रह जाते, क्योंकि अगर किसी का खाना वगैरह नज़र में रखने लग जाए तो वो बंदा फिर बढ़ता नहीं है, छोटा रह जाता है। तो अच्छा, तो अगली बात ये है कि इसका जो भाई है वहाँ पे, उसने मैंने वीडियो देखी, काफ़ी मुझे बुरा लगा उस वीडियो को देख के कि ना उसने अपनी माँ को अंडे ला के दिए तो बहन को कि ये मैं पता नहीं 5 दर्जन ले आया हूँ इकट्ठे, तो एक एक करके आपने रोज़ाना खाने, पैसे अपनी माँ से लेके गया था। ठीक है, एक बेटा अपनी माँ से पैसे ले जा रहा है जो जवान है, कमा रहा है, ज़मीने है, यूट्यूब का चैनल चला रहा है, कई सारी जगह से कमाई कर रहा है, लोग कितने वो दो हैं घर पर सिर्फ लोग, अपनी माँ को अंडे नहीं ला के दे सकता। उसके मालिक वो खाती है, अलग खाती है, अलग घर में रहती है, अलग अकेली ही सोती है। यदि किसी बेटे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी माँ को रख सके, अपनी बीवियाँ रखते हैं, अपने बच्चे रखते हैं, अपने माँ बाप नहीं रख सकते। ये लोग इनका बाप कहाँ है कोई पता नहीं, माँ इनकी है यहाँ पे, अलग रह रही है बहन के साथ, अलग रह रही है, गाँव में रह रही है, उनको राशन पानी ला के दिया जाता है तो उसका भी 100 बार सुनाया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनके ला के मुँह पे उनका राशन मारा जाता है। अगर इनसे ही मंगवाना फिर तो गली में भी किसी बच्चे को अगर कह दे कि जाओ मुझे ये चीज़ें लाओ तो वो ला दे, बच्चा भी ला देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ला देता है, कोई इसमें किसी को क्या दिक्कत होगी ना, कोई देखेगा तो वो यही कहेगा कि चलें दो औरतें हैं, दो अकेली रह रही हैं, ये महिला अगर मुझे कह रही है लाने के लिए तो मैं इनके लिए ले आता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा उछाला जा रहा है, इतना ज़्यादा नज़रों में लिया जा रहा है, अगर उसे लकड़ियों से मारा था तो मैं क्यों एक्शन नहीं लिया भाई, इतना भी दूर नहीं है, यहाँ मेरी भी फैमिली है, मैं जाती हूँ वापस। तो कोई भी बात होती है किसी की मतलब एंगेजमेंट या किसी की शादी वगैरह हम लोग रखते तो ऑब्वियसली मैं जाती हूँ, हर फंक्शन में अटेंड करती हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं जी मैं नहीं आ सकती आप नहीं जाती हूँ मैं, क्यों क्यों नहीं जाएंगे, थोड़े पैसे ही हैं लग जाए, खुशियाँ तो देखनी चाहिए ना हमें, किसके दुख में शरीक होना चाहिए, खुशियाँ देखनी चाहिए, हमने यहाँ बैठ के तो क्या करना है, हम जाते हैं बिल्कुल फैमिली में जाते हैं, हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हम दूसरी में कंट्री में रह रहे हैं तो अपनी फैमिली के पास नहीं जाएंगे, नहीं छोटे से छोटी खुशी में हम उनके शरीक हो रहे हैं, छोटे से छोटे दुख में उनके जा रहे हैं। तो तुम नहीं आ सकते थे जब तुम्हारी माँ बहन का मामला था, नहीं आ सकते थे क्योंकि तुम्हें तो मौजूद चाहिए, तुम भी तो यहाँ पैसे कमाने के लिए बैठे हो, सीधी सी बात है पैसे कमाने, तुम कहते मैं इतना कमा रहा हूँ इतना कमा रहा हूँ, भाई जो इतना कमा रहा है उसके पास नहीं टाइम कि वो रोज़ाना लेट के आके राम फरमाता हुआ बनाए एक वीडियो, नहीं बहुत मुश्किल है। अगली बात ये जिसने ये अपनी बहन बनाई हुई है उसके पास तो रह ही गालियाँ गई हैं, इतनी गंदी गंजोर बड़वादला, वो तो गालियों की क्लास दे रही है फुल, उसने क्लास लगाई, मुझे लगता है पार्ट टाइम ना गालियाँ सिखाने का काम भी करती होगी, अगर उसको देखा जाए ना तो उस पर नजर रखी जाए, उसके बारे में पता लगाया जाए तो यकीन सी बात है वो पार्ट टाइम में गालियाँ निकालने का काम करती है, उसको गालियाँ बहुत ज़्यादा आती है, वो क्लास देती है, ये क्लास लेती है गालियों की। तो खैर वो अपने गुनाह बढ़ाई जा रही है, बिठा के पाप कर रही है, कोई पुण्य का काम तो है नहीं है इसमें, तो खैर देने वाला ईश्वर की ज़ात है, किसी का खाना पीना मुँह में नहीं लेना चाहिए, अपने घर की इज्जत है घर तक रखनी चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता बंदा आके ऐसी बातें करे तो लोग अच्छा नहीं कहते, मैं बिल्कुल भी इस बात के बिल्कुल भी नहीं हक में कि किसी भी तरह से कि कोई इसको अच्छा कह रहा होगा, बिल्कुल नहीं अच्छा कह, भाई तुम लोग की लड़ाई है, तुम लोग आके यहाँ पे क्यों बता रहे हो, अब घर में कोई मसला आ जाता तो गली में जाके चीख चीख के बताना शुरू करते, गली वालों ने हमें क्या दे देना है, कुछ नहीं दे देना है उन्होंने, भाई घर जा जाके मजाक करेंगे बात करेंगे, इज्जत ही बंदे की अपनी इज्जत ख़त्म होती है ना, अपनी इज्जत बचाओ, इज्जत वाले काम करो, ऐसे काम नहीं करो जो तुम्हारी इज्जत में इजाफा नहीं करते बल्कि तुम्हारी इज्जत कम करते हैं। वो तो अपने घर बैठा है, वो
तो तुम्हारी बातों का मुंह नहीं जब तुम अपनी इस ओल्ड लेडी और तुम लगे हुए हो, दोनों मिशन अपना चला रहे हो। तुम लोगों ने अपना मिशन चलाना है, अपना चैनल बढ़ाना है, चैनल को ग्रो करने के लिए पैसे कमाने के। अच्छा तुम वहाँ से देख आए हो कि पैसे मिल रहे हैं, तो भाई अलीवीर ने भी तो तुम्हारे भाइयों को चैनल ही चलाया। इतना वो बुरा होता तो तुम लोग का चैनल चला देता, तुम्हारे भाइयों का चैनल चलाया, घर बैठे खाना खा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपनी वीडियोज़ में भी कहते हैं आसान कमाई है, ये आसान कमाई उसने करा के दी है। उसने तो उनका लड़ाई के बाद चैनल ही बंद किया। अगर इतना ही होता तो वो उनका चैनल बंद कर देता कि यार मैं इनको क्यों चैनल चला के दूँ, मेरे तो इनसे लड़ाई होगी, अच्छी खासी तुम लोग की लड़ाई हुई है, जो बिना वजह ही तुम लोगों ने लड़ाई डाल ली। वजह कोई नहीं थी, एवं व्यूज़ भी तो लेने थे ना, व्यूज़ भी लेने के लिए लड़ाई वगैरह कुछ ऐसा ही तो करना पड़ेगा, कोई पंगा वगैरह करोगे तो व्यूज़ आएंगे ना। ऐसे क्या रोज़ाना आके बैठे रो गए ये वो। अब तुमने कहा वहाँ से मैं फिर आया हूँ, पैसे कमाने का अच्छा जरिया है, चलो मैं भी पैसे कमाता हूँ। भाई पैसों की किसको नहीं ज़रूरत है, तुम्हारी हरकतें साफ बता रही है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। यहाँ तक कि इस बंदे की कुछ मतलब हरकतें ऐसी हैं कि बातें ऐसी हैं कि जिसको देख के बता साफ कहता कि यार ये क्या मतलब, ये तो पैसों के लिए इधर आया ना साहब, उतने तो तुम आ क्यों रहे हो बुराई करने। तो भाई इतना ही गिला तुम उसे फ़ोन कर दो भाई, फ़ोन करके उसे बुरा भला कह दो। नहीं फ़ोन करके नहीं कह सकते, ठीक है तुम्हारा फ़ोन नहीं रहता, अननोन नंबर से कर लो, किसी का दोस्त का फ़ोन पकड़ के अपने दिल के बड़ा से निकालो, ठीक है। फ़ोन ये तुम्हारा अटेंड ही नहीं करेगा, वो किसी भी अननोन नंबर से तुम्हें एक मैसेज भेज दो, मैसेज तो पढ़ लेगा। चलो वो वीडियो लगाता है, उसके वीडियोज़ पर तुम कमेंट कर दो कि भाई ये मुझे तुमसे दिक्कत है, ये मुझे तुम्हारा मसला है, ये क्या तुमने किया था, तुम्हारा दिल नहीं ना भरता एक बार तुम मैसेज कर, तुम रोज़ कमेंट कर रही जो ये अपनी शोहरत क्यों कर रहे हो तुम आके यहाँ पे, कोई शर्म की बात है, शर्म कर लो। वो तुम्हारे साथ जो औरत लगी वो भी एक अंदर वो बंदरी है, बंदरी ने तो अपना फुल काम चलाया हुआ है, बंदरी ने तो इधर से रोटी तोड़नी दोस्तों तोड़नी हम गायब हो गई थी, जैसे देखा दोबारा से इधर फंक्शन शुरू हो गया, चलो रोटी तोड़ते हैं जाके, इधर भी लग के उधर भी लग के, वो बस कैमरा रखो हाथ मल मार जाओ, बस हाथ मार मार के बातें करी जाओ, ऐसे हो गया था। ए, ये तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अब ये तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे कर लोगे, मैंने तो तुम लोग के सर पे ही व्यूज लेने हैं और तुम लोग के सर पे मेरा चैनल ग्रो कराना है, तुम लोग के ही सर पे मैंने तो अब सब कुछ करना है, इसलिए मैं तुम लोग के सर पे वीडियोज बनाऊंगी। क्या लीवीर तुम्हें लगता है कि अब तुम ऐसे बच जाओगे, चले अब शुरू करते हैं अलीवीर का ड्रामा। चले इसके साथ ही मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त, क्योंकि मेरी सास माँ मुझे बुला रहे, घर में थोड़ा सा काम है, तो आप लोग से जल्दी मिलूंगी मैं। नमस्ते।